फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनेटास्टिक अमिता। अगस्त के महीने में बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज देखने को मिली जिन्होंने हमारा बहुत सारा एंटरटेनमेंट किया, पर इसके साथ साथ हमें सड़क टू जैसा टॉर्चर भी देखने को मिला जिसके बाद पब्लिक ने तौबा तौबा कर ली। तो इसी लिस्ट को हम आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर को रिलीज होने वाली कुछ ऐसी वेब सीरीज की लिस्ट लाए हैं जिसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो ज्यादा इंतजार ना कराते हुए हम इस लिस्ट की शुरुआत करें। टुकड़ों टुकड़ों में जीकर सांसें उधार लेता है कोई, एक जरा सी उम्मीद पर सारी जिंदगी गुजार देता है कोई। नंबर 10 पे है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। ऑल्ट बालाजी पर आने वाली ये सीरीज का सीजन 1 और 2 बहुत पॉपुलर हुआ था। अभी कुछ महीने पहले एकता कपूर ने ही अनाउंस किया था कि विक्रांत मेसी और हरलीन शेट्टी वापस इसके सीजन 3 में रिकास्ट नहीं किए जाएंगे, जिसके बाद ये बज में आया कि बिग बॉस 13 के फेमस जोड़ी सिडनाज यानी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल इस सीरीज में हमें दिखाई देंगे, जिसके बाद लोगों में एक्साइटमेंट का लेवल और भी ऊपर पहुंच गया। हालांकि इस सीरीज का टीजर आउट हो चुका है पर इसकी कंफर्म डेट अभी आनी बाकी है। सोर्सेज माने तो ये सीरीज हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगी। एक जरा सी उम्मीद पर सारी जिंदगी गुजार देता है कोई। இந்த பொண்ணு காத்து கூட போகாத அளவுக்கு இவ்ளோ நெருக்கமா ஒட்டிட்டு இருக்கா? Sonali is my best friend. My name is Richard Dawkins. What happened? नंबर 9 पर एक ऐसी फिल्म जो दो लैंग्वेजेस में अलग अलग नामों से रिलीज हो रही है, जिसमें साइलेंस तमिल लैंग्वेज में रिलीज हो रही है और मलयालम में निशब्दम के नाम से ये रिलीज हो रही है। इसकी स्टोरी साक्षी यानी अनुष्का शेट्टी की है, जो कि एक स्पीच इम्पेयरमेंट आर्टिस्ट है, और एंथनी के कैरेक्टर में आर माधवन एक सेलिब्रिटी म्यूजिशियन है। अब ये दोनों कैसे पास आते हैं और कैसे साक्षी की बेस्ट फ्रेंड सोनाली उसकी ही एंगेजमेंट के 2 दिन बाद गायब हो जाती है, इसमें दिखाया गया है। अब स्टोरी कैसे थ्रिलर सस्पेंस डेवलप करती है इसको देख के ही पता चलेगा, जिसको 2 अक्टूबर को Amazon Prime पर देख सकते हैं। इस थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा मूवी की कास्टिंग में हमें अनुष्का शेट्टी, माधवन अंजलि, माइकल मेडसन, शालिनी पांडे और शुभा राजू नजर आएंगे। फिल्म ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में बनी है, जिसको मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा, पर आप इस सस्पेंस ड्रामा को इंग्लिश सबटाइटल्स की मदद से देख सकते हैं। I've met someone. Balu, this is such good news. I've been praying for a good man for you. Can you give me his date of birth? You're not checking our horoscopes. Talk to your daughter. Astrology is unscientific nonsense. Number 8 पे है Evil Eye। Amazon Prime पर रिलीज होने वाली ये ड्रामा वेब फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक इंडियन अमेरिकन वुमन पल्लवी के अराउंड, जो स्टार्ट करती है एक हैंडसम लड़के संदीप को डेट करने से, जो हर मामले में उसके लिए एक परफेक्टली फिट बंदा है, जिसके बाद वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है। पल्लवी की मदर जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती है, संदीप को देखते हुए उन्हें अपने ट्रबल्ड पास्ट की याद आ जाती है, जिसके बाद वो संदीप पर शक करने लगती हैं और अपनी ही बेटी को उससे दूर करने में लगी रहती है। अब स्टोरी कैसे कैसे ट्विस्ट लाती है इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। अनुष्का शर्मा के बाद अब प्रियंका चोपड़ा भी प्रोड्यूसिंग लाइन में अपना हाथ आजमा रही हैं, जिसमें इस बार जेसन ब्लम के साथ उन्होंने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म पार्ट है वेलकम टू द ब्लम हाउस सीरीज ऑफ 4 हॉरर मूवीज का, जिसको आप 13 अक्टूबर को देख सकते हैं। Sandeep is him. I just have to warn her. Can we please go to a doctor? Leave before it's too late. में ही अलग हो जाते हैं। कुछ सर्टेन सरकम स्टार्टने का प्लान करती है, वो भी एक चुराए हुए बैग के साथ जिसमें है खूब सारा पैसा, पर रास्ते में वो गुंडों से बचने के लिए ब्लैकी की है, जिसके बाद बिना सांस लिए Z5 ने अपनी एक नई वेब सीरीज एक्सपायरी डेट को अनाउंस कर दिया है, जिसका बस लोगों में काफी है। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है 2 कपल्स के इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर सीरीज का नैरेटिव धीरे धीरे चेंज होने लगता है, जहाँ जेलेसी, एंगर, कंट्रोल, पजेसिव जैसे सारे इमोशंस बाहर आने लगते हैं जैसे जैसे कहानी डेवलप होती है। एक्सपायरी डेट एक एच सीज सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें हर एपिसोड में ट्विस्ट एंड टर्न दिखाई देंगे। टोनी ल्यूक, जिनको हमने क्राइम फिल्म बदला में तापसी पन्नू के ऑपोजिट देखा था, इसमें दिखाई देंगे। इसके अलावा हमें स्नेहा उलाल, जो बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय की ड्यूप से बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की थी, वो भी दिखाई देंगे, जिसको आप Z5 पर 2 अक्टूबर को देख सकते हैं। रिवेंज इज आउटडेटेड। आई एम जस्ट रिटर्निंग द फेवर।
नंबर 5 पर है पॉइजन 2। ये एक इंडियन हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसको विशाल पंड्या ने डायरेक्ट किया है। पहले इस सीरीज को 30 अप्रैल में रिलीज होना था पर कोविड की वजह से ये सीरीज हमें 16 अक्टूबर को Z5 पर देखने को मिलेगी। स्टोरी का प्लॉट रेज, रिवेंज, पैशन, रिडेम्पशन, डिसेट के साथ साथ काफी ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो इस वेब सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है, जिसमें हमें आफ्ताब शिवदेसानी, राय लक्ष्मी, पूजा चोपड़ा, राहुल देव, विन राणा, जैन इमाम जैसे काफी पॉपुलर एक्टर्स दिखाई देंगे। राय लक्ष्मी जो हमें लास्ट जूली 2 में दिखाई दी थी अब इस प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगी। इंसान लिबास बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं। दूसरा स्टेज आते आते ना ये जो वूहू शेयर्स वाली फीलिंग फ्लैट हो जाए। ह्यूमन आर एसहोल्स। ऐसे ही छोटा सा झूठ बोला था यार, मैंने चीट थोड़ी ना किया तेरे पे। नंबर 4 पे है कॉमेडी कपल। Z5 ने हाल में ही रोमकॉम जॉनरे की फिल्म कॉमेडी कपल अनाउंस की है। ये फिल्म रिवॉल्व करती है दो रियल लाइफ लवर्स के आसपास जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से एक साथ स्टेज पर लोगों को हंसाने का काम करते हैं और उनकी जिंदगी में हंसी से मिठास घोलते हैं, पर इस परफेक्टली फिट कपल की कुछ इम्परफेक्टली इश्यूज हैं जिससे वो जूझ रहे हैं। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि ये रोमांटिक फिल्म अक्टूबर 21 को रिलीज हो रही है जिसको आप Z5 पर देख सकते हैं। कॉमेडी कपल में श्वेता प्रसाद बासु और साकिब सलीम नजर आएंगे। इस फिल्म का टीजर ऑलरेडी आउट हो चुका है जिसको आप Z5 पर देख सकते हैं। बोलता हूँ एक आधा छोटा मोटा झूठ, किसी को हर्ट या चीट करने के लिए थोड़ी ना बोलता हूँ। ऐसे में लगता है स्क्रू भी हो। ओए ये ओल्ड एज वाले अंकल जी यहाँ खड़े हैं, उनकी जगह बैठा है। उठ। अरे ना जी आइए ना, बैठिए ना। नहीं बैठना मुझे यार, समझा कर यार, पाइल था मुझे। असुविधा के लिए खेद है। नंबर 3 पर है गिनी वेट सनी। ये एक इंडियन हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसमें हमें यामी गौतम गिनी के कैरेक्टर में प्ले करते हुए नजर आएंगी। वहीं मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस फेम विक्रांत मैसी सनी के रोल में नजर आएंगे। स्टोरी का प्लॉट रिवॉल्व करता है गिनी और सनी के अरेंज मैरिज को लेकर, पर गिनी सनी को डंप कर देती है जिसके बाद गिनी की मामी सनी के साथ मिलकर उससे इस शादी के लिए मनाते हैं। इसमें दिखाया गया है इस फिल्म में हमें मानसी शर्मा, आयशा रजा, सुहेल नैयर, राजीव गुप्ता भी नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी काफी जबरदस्त लग रही है जिसको आप 9th ऑफ अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब तो मैं खीर भी बनाऊंगा और गिन्नी को तेरी भाभी और आपकी बहू भी, कसम पैदा करने वाले की। ओए ए मेरी कसम क्यों खा रहे हैं, तुसी कर ले पैदा। फोटोसिंथेसिस दैट वे वी कैन जनरेट ऑक्सीजन कैन सेव अर्थ। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वन? नंबर 2 पे है सीरियस मैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी रात अकेली के बाद एक बार फिर नेटफ्लिक्स पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म की स्टोरी मनु जोसेफ की बुक सीरियस मैन पर बेस्ड है। सुधीर मिश्रा पहले भी कई मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं जिसमें ये मंजिल तो नहीं, इस रात की सुबह नहीं और हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। कहानी की शुरुआत एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदमी से शुरू होती है जो अपने अंडर प्रिविलेज स्टेटस के साथ आगे बढ़ता है, जहां उसके बेटे आदि को एक नया नया फेम मिला है जिसको उसके पेरेंट्स आया और ओजा मनी और भी सवारने की कोशिश करते हैं। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जिसका ट्रेलर आउट हो चुका है जिसको हम 2nd ऑफ अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। क्या बोला था? क्या बताएगा दुनिया को कि मैंने फ्रॉड किया है? मुसड़ के बचपन से बहुत झेला है मैंने। तभी डिसाइड कर लिया था मैंने अपने बेटे को उससे ऊपर लेके जाएगा। नंबर 1 पे है नन अदर देन मिर्जापुर 2 सीरीज। इस सीरीज की कहानी कालीन भैया और उनके शागिर्द गुड्डू और बबलू पर चलती है, जहां राइवलरी के चक्कर में कालीन भैया का बेटा मुन्ना बबलू को गोली मार देता है। अब इस सीरीज में गुड्डू की ग्रोथ इस खून खराबे के साथ दिखाई जाएगी। इस सीजन का इंतजार लोगों को बेसब्री से है क्योंकि इस वेब शो ने लोगों के बीच में बहुत पॉपुलैरिटी कमाई है, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि इस सीरीज के मेकर्स ने इसकी डेट अनाउंस कर दी है जिसको हम 23rd ऑफ अक्टूबर को Amazon Prime पर देख सकते हैं। इस सीरीज का स्टोरी प्रेडिक्शन का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कुछ रह गया है तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।